हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल किचन रेसिपीज़। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आज हम कच्चे हरे मटर की कचौड़ियाँ बनाएंगे। ये बिल्कुल यूनिक रेसिपी है और खाने में बहुत ही स्वादिष्ट होती है, तो वीडियो को अंत तक पूरी देखें। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो हमने ये 3 व्हाइट ब्रेड के स्लाइसेस लिए हैं, इसे हम मिक्सी में हल्का सा पीस लेंगे। तो कुछ इस तरह का हमारा ये होना चाहिए। इसके लिए आप बिल्कुल ताजे और फ्रेश ब्रेड का इस्तेमाल करें। ये हमने एक छोटा कप ताजे हरे मटर लिए हैं, इसे हम एक चम्मच तेल में हल्का सा रोस्ट कर लेंगे। तो ये देखिए, ये मटर का कलर हल्का सा चेंज हो गया है। इसे ठंडा करके हम इसे भी मिक्सी में पीस लेंगे। मटर में हमने 2 हरी मिर्च भी डाले थे। तो ये देखिए, ये हमने मटर को हल्का दरदरा पीस लिया है, इसे हम एक प्लेट में निकाल लेंगे। अब हम इसमें कुछ मसाले ऐड करेंगे। सबसे पहले हम इसमें स्वाद के अनुसार नमक डाल देंगे, लाल मिर्च पाउडर डाल देंगे, हाथों से क्रश करके हम इसमें अजवाइन डाल देंगे, थोड़ा सा कद्दूकस किया हुआ अदरक डाल देंगे, थोड़ा सा हम इसमें चाट मसाला डाल देंगे, थोड़ा सा हम इसमें गरम मसाला डाल देंगे। सभी चीजों को हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब हम इसमें कटी हुई हरी मिर्च डाल देंगे। ये बिल्कुल ऑप्शनल है, आप चाहें तो डाल सकते हैं या फिर नहीं भी डाल सकते हैं। अब एक चुटकी हम इसमें हींग डाल देंगे। तो ये हमारे मटर का मिक्सचर बनके तैयार है। तो ये हमारी फिलिंग तैयार है, अब हम आगे की तैयारी कर लेंगे। तो ये हमने 3 उबले हुए आलूओं को मैश करके लिया हुआ है। अब हम इसमें कुछ वेजिटेबल्स ऐड करेंगे, जिसमें हमने कद्दूकस किया हुआ गाजर, अदरक, कटी हुई शिमला मिर्च, प्याज और हरी मिर्च ली है। साथ ही में हम इसमें ढेर सारा धनिया पत्ता डालेंगे, आधा नींबू का रस निचोड़ के डाल देंगे। स्वाद के अनुसार अब हम इसमें नमक डाल देंगे, साथ ही में हम इसमें थोड़ी सी लाल मिर्च पाउडर डाल देंगे। अब हम इसमें तैयार किया हुआ फ्रेश ब्रेड का बुरादा डाल देंगे। सभी चीजों को इसे मिक्स कर लेंगे। तो ये हमारा आलू का मिक्सचर भी बनके तैयार है। तो अब हम अपनी कचौड़ियाँ बनाना शुरू करते हैं। तो हम आलू की लोई बना लेंगे पहले, और इस तरह से उसमें बीच में हम मटर की फिलिंग को डालेंगे। फिलिंग हम थोड़ी ही डालेंगे, वरना हमारी कचौड़ियाँ फट सकती हैं। अब हम इसे चारों तरफ से अच्छे से सील कर देंगे। तो ये देखिए, ये हमारी पहली कचौड़ी बनके बिल्कुल तैयार है। ऐसे ही हम आपको दूसरी कचौड़ी भी बना के दिखाते हैं। कचौड़ियाँ बनाते वक्त अगर आपके हाथों में आलू का मिक्सचर चिपक जाए तो आप हाथों में हल्का सा ऑयल लगा लें, इससे आपके हाथों में आलू बिल्कुल भी नहीं चिपकेगा।
तो ये हमारी सभी कचौड़ियाँ बनके तैयार हैं। बिल्कुल अच्छे से हमने इसे बनाया है, देखिए फिलिंग बिल्कुल भी बाहर नहीं निकली है। अब हम मैदा का एक घोल तैयार करेंगे जिसमें हम अपनी कचौड़ियों को डिप करेंगे। तो हमने 2 बड़ा चम्मच मैदा लिया है, अब हम इसमें पानी डाल देंगे। तो ये देखिए, ये हमारे मैदा का घोल बिल्कुल तैयार है, बिल्कुल ऐसा ही होना चाहिए। साथ ही में हमने ये ब्रेड क्रम्स लिया है, इसे हमने घर पे ही बनाया है। इसकी रेसिपी भी आपको हमारे चैनल पे मिल जाएगी, मैं इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, आप वहां से जाके इसकी रेसिपी जरूर चेक कर ले। तो अब हम अपनी तैयार कचौरियों को पहले मैदा के बैटर में डिप करेंगे। इसके बाद हम इसे ब्रेड क्रम्ब से अच्छे से कोट कर लेंगे। आप चाहे तो इसे एयर टाइट कंटेनर में स्टोर करके फ्रिज में रख सकते हैं, 1 सप्ताह तक ये बिल्कुल भी खराब नहीं होगा और आपका जब मन करे आप इसे फ्राई करके खा सकते हैं। तो ये देखिए, हमने सारी मटर की कचौड़ियों को तैयार कर लिया है, अब हम इन्हें डीप फ्राई करेंगे। तेल भी हमारा अच्छे से गर्म हो चुका है, तो अब हम इसमें एक एक करके अपनी कचौड़ियों को डालते जाएंगे। तो ये देखिए, हमारी कचौड़ियों का कलर भी चेंज होना शुरू हो गया है, अब हम इसे एक बार टर्न कर लेंगे। इन्हें हम दोनों साइड से अच्छा गोल्डन ब्राउन कलर आने तक फ्राई कर लेंगे। कचौड़ियों को अच्छे से फ्राई होने में कम से कम 5 से 6 मिनट लग जाएंगे। तो ये देखिए, ये हमारी कचौड़ियाँ बनके बिल्कुल तैयार हैं। अब हम इन्हें निकाल लेंगे। इसी तरह से हम सारी कचौड़ियों को बना के तैयार कर लेंगे। आप इसे अपने पसंद किसी भी चटनी के साथ या टोमेटो केचप के साथ खा सकते हैं। तो ये देखिए, ये हमारे ताजे हरे मटर की कचौड़ियाँ बनके बिल्कुल तैयार है। मैं आपको एक तोड़ के भी दिखाती हूँ। ये देखिए, देखने में कितनी सुंदर लग रही हैं और खाने में बहुत ही स्वादिष्ट होती हैं। तो अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। साथ ही में हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और ऐसी ही आसान रेसिपीज़ के लिए हमारे चैनल के साथ जुड़े रहें और जाते जाते हमारी वीडियो को लाइक करते जाएं। थैंक यू।